नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उच्च शिक्षा के सूत्र, माध्यमिक शिक्षा के सूत्र और इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कुंडली के किस भाव से कौन सी शिक्षा यानी किस स्तर की शिक्षा का विचार किया जाता है। इसके अलावा हम कुंडली में कमजोर शिक्षा के योगों पर भी चर्चा करेंगे और उसके उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी बातों का विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कुंडली में शिक्षा के योग चेक करने के लिए सबसे पहले हम ग्रहों पर विचार करेंगे। हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है, ठीक है। इसके पश्चात उन भावों पर विचार करेंगे जिससे शिक्षा के अलग अलग स्तरों की जाँच की जाती है। ध्यान रखें, सबसे पहले आपकी लग्न कुंडली चाहे जो हो, आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है। गुरु आपकी कुंडली में मजबूत है या नहीं, किसी शुभ भाव में है या नहीं, गुरु कारक ग्रह है अथवा नहीं। अगर गुरु स्वराशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का, लग्नेश का मित्र है, पर्याप्त अंश बल के साथ मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आप में ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होगा या फिर उसके अनुसार होगा जिस अवस्था में गुरु की स्थिति होगी, पहला कारक। दूसरे नंबर पर आपको चेक करना है बुध की स्थिति। आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक और वाणी का कारक माना गया है, ठीक है, बुध को बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है, तो आप ये देखें कि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, बुध की क्या प्लेसमेंट है, ये आपको चेक करना होगा। बुध कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, बुध पर कहीं राहु अथवा केतु का प्रभाव तो नहीं है, बुध बकरी या फिर पाप युक्त तो नहीं है, या किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव बुध पर तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हम चेक करेंगे ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकें। शिक्षा के लिए तीसरा और महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, यानी आपको अपनी कुंडली में चंद्र की स्थिति चेक करनी होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शिक्षा में अगर उच्चता प्राप्त करनी है, शिक्षा अच्छी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मन जो है आपका शांत हो, एकाग्र हो, स्थिर हो। तो मन यानी को चेक करें, मन को चेक करने के लिए आपको चंद्र की स्थिति देखनी होगी, यानी चंद्रमा क्या अशुभ ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या नहीं, ये सारी बातें आप चेक करें। यानी तीन ग्रह मुख्यतः आपको चेक करने हैं, गुरु, बुध और चंद्र। अब बात करते हैं हम कि कुंडली के किस भाव से किस स्तर की शिक्षा का विचार करते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप सबसे पहले ग्रहों को चेक करने के पश्चात दूसरे भाव को देखें, ठीक है, सेकंड हाउस को देखें। कोई भी लग्न की कुंडली हो, आप सेकंड हाउस में देखें, क्योंकि द्वितीय भाव से प्राथमिक शिक्षा का विचार किया जाता है, यानी प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहा जाता है, वो द्वितीय भाव से विचार करते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, दूसरे भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, दूसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, यानी उसके अलावा आपका द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, इस बात पर आप विचार करें। द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी पर विचार करने के बाद और साथ साथ जो ग्रहों पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा किस स्तर की होगी, किस प्रकार की होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर माध्यमिक शिक्षा का विचार करना हो तो कुंडली के चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस से किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा का विचार करें, उच्च शिक्षा कहाँ तक, ग्रेजुएशन लेवल तक, स्नातक स्तर तक, ठीक है, तो इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव विवेक का कारक भी है, ध्यान रखें, पंचम और पंचमी इसकी स्थिति अगर मजबूत है तो आपकी ग्रेजुएशन स्तर तक की जो शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो इसके लिए आपको पंचमाधिपति की स्थिति देखनी होगी और साथ साथ पंचम भाव पर क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं। पंचम भाव अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ हो और पंचमाधिपति की स्थिति ठीक हो, तो व्यक्ति की ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ज़्यादा नहीं आता। हालांकि हमें ग्रहों पर भी विचार करना होगा, जिस पर अभी हमने पूर्व में चर्चा की है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उच्च शिक्षा यानी परास्नातक एजुकेशन, जैसे ग्रेजुएशन के बाद की जो शिक्षा है, उस पर विचार करने के लिए हमें कुंडली का नवम भाव चेक करना होगा। कुंडली के नवम भाव से ही हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति की उच्च शिक्षा किस स्तर की होगी। हालांकि अभी हम कुछ सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र किसी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च के लिए उसको कुंडली के अष्टम भाव पर विचार करना होगा। अष्टम भाव से
हम ये विचार कर पाएंगे कि व्यक्ति की रिसर्च किस क्षेत्र में रिसर्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अष्टमेश और अष्टम भाव की स्थिति को देखकर हम ये निर्णय करते हैं। किसी व्यक्ति की शिक्षा किस माहौल में होगी, इसको देखने के लिए हम कुंडली का फोर्थ हाउस देखते हैं। फोर्थ हाउस किस माहौल में होगी, माहौल के लिए फोर्थ हाउस से विचार करते हैं। हालांकि फोर्थ हाउस से भी हमने चेक किया कि माध्यमिक शिक्षा का विचार करते हैं, परंतु किस माहौल में होगी तो इसके लिए फोर्थ हाउस ही देखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें विचारणी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा कर ले रहे हैं और उसमें आपको पर्याप्त धन की आवश्यकता है, तो सीधी सी बात है धन के लिए आपको फिर द्वितीय सेकंड हाउस पे आना होगा और लाभ इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास धन है और लेकिन लाभ नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। आइए अब कुछ सूत्रों पर विचार करते हैं। ये सूत्र उच्च शिक्षा के सूत्र हैं, उच्च शिक्षा के सूत्र, ठीक है। उच्च शिक्षा का ये सूत्र है पहला कि यदि कुंडली के पंचम भाव का स्वामी और कुंडली के नवम भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले, यानी नवम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित ज्योतिष का आज का हमारा दूसरा सूत्र यह है कि यदि द्वितीय यानी दूसरे भाव का स्वामी और साथ साथ पांचवें भाव का स्वामी यानी पंचमेश पर्याप्त बल के साथ मौजूद हो तथा लग्न में ही कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो, लग्न में कोई शुभ ग्रह हो और साथ साथ द्वितीय या पंचमेश दोनों बली हो, तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है या उच्च शिक्षा का योग बनता है। उच्च शिक्षा से संबंधित हमारा आज का तीसरा सूत्र यह है कि पंचमाधिपति यानी पंचम भाव का स्वामी, ठीक है, और नवम भाव का स्वामी कुंडली में त्रिकोण में कहीं बैठ जाए तो भी व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। अब त्रिकोण का मतलब यह है कि फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव में बैठ जाए, पांचवें बैठ जाए या नवम बैठ जाए, यानी पंचम भाव का स्वामी पहले पांचवें या नवम में कहीं पर बैठ जाए तब भी व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। उच्च शिक्षा से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि गुरु केंद्र में बैठ जाए, ठीक है, या फिर पंचम भाव में बैठ जाए या फिर नवम भाव में बैठ जाए या फिर गुरु केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी बैठ जाए पर्याप्त अंश बल के साथ काराग्रह होकर, तो ये उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहयोगी होता है, यानी उच्च व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अगले सूत्र पर अब विचार करते हैं। यदि कुंडली में बुध ग्रह इस प्रकार से बैठा हो कि उसका संबंध पंचम भाव से हो जाए, मान लीजिए कि बुध जो है आपका ग्यारहवें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, ये अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, या फिर बुध आपका पराक्रम भाव में बैठा हो तो फिर ये अपनी सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो ऐसा बुध व्यक्ति को विवेकशील बनाता है और इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहायक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुध या तो पंचम या नवम में बैठा हो या फिर पंचम या नवम से दृष्टि संबंध बना रहा हो और पाप प्रभाव में ना हो, यानी बुध पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, वो बुध जो है पापयुक्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना हो कि लग्ने से बुध की मित्रता है या नहीं। इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा विचारणीय है कि कई ज्योतिषीय विद्वान जो है वो पंचम भाव से उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, परंतु कई जो है आपका नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। तो ध्यान रखें, पंचम और नवम आपको ये दोनों ही देखना है। परास्नातक एजुकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात चल रही है तो फिर आप नवम भाव से चेक करें। कई बार जब स्थिति स्पष्ट ना हो, जैसे मान लीजिए कि आप उच्च शिक्षा का विचार कर रहे हैं पंचम से कर रहे हैं, तो पंचम से पंचम को भी देखें यानी नवम भाव को देखें। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या लेवल की शिक्षा की बात कर रहे हैं या परास्नातक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप नवम भाव को तो देखें ही, साथ साथ नवम से नवम भाव को भी आप देखें। नवम से नवम का तात्पर्य कैसा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी नवम से नवम देखा जाए तो पंचम ही हुआ, यानी पंचम और नवम दोनों पर ही आपको विचार करना होगा। अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। कुंडली का जो भी पंचमाधिपति ग्रह है आपका और इसके अलावा नवमे से अगर वो कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और वो अपने पंचम भाव या नवम भाव, पंचमाधिपति है तो पंचम भाव पर और नवमे से तो नवे भाव पर कहीं से भी दृष्टि डाल दे, तो ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग निर्मित करता है। परंतु ध्यान रखें कि कुंडली में वह ग्रह पर्याप्त अंश बल के साथ मौजूद होना चाहिए और कुंडली का कारक ग्रह होना चाहिए। अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली में पंचमाधिपति ग्रह कहीं पर भी बैठा हो
और वो वहाँ से अपने घर पर दृष्टि डाल दे, या फिर नवमेश कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो वो वहाँ से अपने घर पर दृष्टि डाल दे, या फिर नवमेश पंचमाधि पंचमेश पर दृष्टि डाल दे, या फिर पंचमेश जो है नवमेश पर दृष्टि डाल दे, तो ऐसी स्थिति में भी वह उच्च शिक्षा के योग निर्मित करता है। परंतु ध्यान देने वाली ये बात यह है कि पंचमाधिपति जो दृष्टि डाल रहा है नवमेश पर, वो नवम भाव पर होना चाहिए, या नवमेश जो है दृष्टि डाल रहा है पंचमेश पर तो वो पंचम भाव में होना चाहिए। ठीक है, अन्य बात पर विचार करते हैं। अगला सूत्र यह है कि यदि पंचम भाव, ठीक है, यदि कुंडली का पंचम भाव शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, यानी पंचम भाव के पहले कोई शुभ ग्रह स्थित हो और पंचम भाव के बाद में कोई शुभ ग्रह स्थित हो, यानी ये चौथे भाव में या फिर छठे भाव में, ठीक है, पंचम भाव यानी शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर नवा भाव, पंचम नवा भाव भी उसी प्रकार जिस तरीके से पंचम भाव शुभ ग्रहों से घिरा हुआ, तो उसी प्रकार नवम भाव भी शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, यानी नवम भाव से पहले एक घर पहले शुभ ग्रह हो और नवम भाव के दूसरे वाले घर में भी शुभ ग्रह हो या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तब भी ये उच्च शिक्षा के योग निर्मित होते हैं। को कुछ बातों पर विचार अवश्य करना होगा, आपको देखना होगा कि कुंडली का जो लग्नेश है, ठीक है, कुंडली का जो लग्नेश ग्रह है वो आपका पर्याप्त अंश बल के साथ मौजूद हो, ठीक, क्योंकि अगर लग्नेश कमज़ोर हुआ, क्योंकि शिक्षा किसको प्राप्त करनी है, आपको, आपको नहीं, यानी लग्नेश, ठीक, तो लग्नेश मजबूत होना चाहिए पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति का चंद्रमा ठीक होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन, अगर मन अशांत होगा तो किसी भी चीज़ में यानी शिक्षा प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को। इसके अलावा बुध ग्रह जो है वो ठीक होना चाहिए और गुरु ग्रह, ये आपका ठीक होना चाहिए। ये जिस जिस परिमाण में कमज़ोर होंगे उस परिमाण में यानी उस मात्रा में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इनके उपचार भी किए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। कुंडली में कमज़ोर शिक्षा के योग, अभी तक हमने चर्चा करी कुंडली में उच्च शिक्षा के योग, लेकिन अब कमज़ोर शिक्षा के योग को किस प्रकार से हम जान सकते हैं, कमज़ोर शिक्षा के योग। तो ठीक है, आज का पहला सूत्र हमारा ये है कि यदि कुंडली में गुरु ग्रह 6 हाउस 8 हाउस अथवा 12 हाउस में हो, 6 हाउस 8 हाउस या 12 हाउस में हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु की स्थिति थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, तो शिक्षा के योग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन शिक्षा प्राप्ति में उसे थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बुध अगर ग्रह 6, 8, 12 में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो भी व्यक्ति को शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, ठीक है, राहु चंद्र साथ में बैठे हों कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में कमज़ोर शिक्षा के योग बनते हैं। हालांकि इनके उपायों को करने के पश्चात इसमें काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है, जिनकी चर्चा हमने आगे की हुई है। कुंडली में कमज़ोर शिक्षा का अन्य योग ये हो सकता है, कुंडली का जो पंचमाधिपति ग्रह है और नवमेश पंचमेश और नवमेश विशेष रूप से ध्यान रखें, पंचमाधिपति ग्रह अगर पापयुक्त हो, पीड़ित हो, राहु से अथवा शनि से दृष्ट हो, राहु अथवा शनि से दृष्ट हो, किसी पापयुक्त ग्रह से पीड़ित हो, तब भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए अब इनके उपायों पर चर्चा करते हैं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उसके लिए उपाय यह है कि सोमवार को दुग्ध और जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे व्यक्ति का चंद्रमा ठीक होने लगता है। यदि चंद्रमा के कारण आपको परेशानी आ रही है तो चंद्रमा के लिए ये उपाय है, ठीक है। यदि बुध के कारण समस्या आ रही है तो ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करें बुधवार को, ठीक है, तो इससे आपका बुध ग्रह ठीक होने लगेगा। मान लीजिए गुरु के कारण समस्या आ रही है तो गुरु का जो बीज मंत्र है उसका आप उच्चारण करें, उसका जप करें प्रति गुरुवार को, ठीक है, इससे आपका गुरु ग्रह ठीक होने लगेगा। या फिर अगर आप कुंडली में चेक करें कि यदि पंचमाधिपति यानी आपका जो भी पंचमेश है, जो भी पंचम भाव का स्वामी है, उस ग्रह से संबंधित समस्या है तो उस ग्रह का जो भी बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे या उसका जप करेंगे तब भी आपको उस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। मान लीजिए किसी का नवमेश कमज़ोर है, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है,
ठीक है, लेकिन नवमें इस ग्रह के कारण समस्या हो रही है, तो नवम भाव में जो राशि लिखी हो उसका जो राशिपति होगा उसके बीज मंत्र का जप करने से भी उस समस्या से निजात मिलती है। मित्रों, कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।